टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया। 284 रनों का पीछा करने उतरी कीवी बल्लेबाजों ने आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों को जमकर छकाया। कीवी टीम के आखिरी जोड़ी ने टीम इंडिया के हाथों से जीता हुआ मैच छीन लिया। रचिन रविंद्र ने एजाज पटेल के साथ मिलकर मैच ड्रॉ करवा दिया। मैच के पांचवे दिन पहला सेशन न्यूजीलैंड के नाम रहा। कीवी बल्लेबाजों ने इस सेशन में कोई भी विकेट नहीं चटकने दिया। दूसरे विकेट के लिए विलियम समरविले और टॉम लैथम ने 76 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करी। उसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी करी। ठीक ठीक अंतराल पर विकेट चटकाते गए। एक वक्त ऐसा आ गया कि आखिरी 8 ओवरों में केवल एक विकेट की जरूरत है। टीम के पुछल्ले बल्लेबाज थे, लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाज उन पुछल्ले बल्लेबाजों के सामने पस्त हो गई, क्योंकि आखिरी 8 ओवरों में वो एक विकेट नहीं चटका सके और इस वजह से मुकाबला रद्द हो गया। खैर, होना क्या था। इस मुकाबले के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। टीम इंडिया के इस मुकाबले को लेकर राहुल द्रविड़ ने क्या कहा और क्या कहा अजिंक्य रहाणे को आने वाली प्लेइंग 11 के बारे में बाहर करने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर राहुल द्रविड़ ने इस हार की बड़ी वजह क्या बताई है। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, पहले तो आइए जानते हैं कप्तान केन विलियमसन ने क्या वजह बताई, यहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा, उसके बाद जानेंगे राहुल द्रविड़ के उस खुलासे के बारे में जो आपको भी हैरान कर देगा। मैच ड्रॉ होने के बाद कार्यवाहक भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, यह एक शानदार क्रिकेट मैच था। हमने मुकाबले जीतने के लिए पूरा जोर लगाया, पर उन्होंने बेहतर खेल दिखाया। हालांकि उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करी। रहाणे ने कहा, मुझे लगता है कि दूसरे सत्र में हमने जिस तरह से वापसी की वो अच्छा रहा। तेज गेंदबाजों ने भी अच्छी बॉलिंग की। वही रहाणे ने भारत की दूसरी पारी में रिद्धिमान शाह के नाबाद 61 और अक्षर पटेल की नाबाद 28 रन के बीच हुई अविजित 67 रन की पार्टनरशिप को सराहा। उन्होंने कहा, हम उस साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते थे और बोर्ड पर कुछ रन बनाना चाहते थे। विलियमसन ने मैच के बाद कहा, जब जीत की संभावना खत्म हो जाती है तो ड्रॉ अगला सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है जिसके लिए प्रयास किया जाता है। पर्याप्त तैयारी का मौका नहीं मिलने के बाद कई खिलाड़ियों ने बहुमूल्य योगदान दिया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जल्द से जल्द सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, नतीजा सिर्फ एक गेंद दूर था, लेकिन अंत में रचिन रविंद्र ने अपने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया और एजाज पटेल ने भी अंतिम कुछ ओवरों में बल्ले से काफी प्रतिबद्धता दिखाई, जिसके बाद खराब रोशनी के कारण मैच समाप्त हो गया। विलियमसन ने कहा, रोशनी कम हो रही थी और हमारे 9 विकेट गिर गए। इस तरह की चीजें टेस्ट मैच को शानदार बनाती है और इससे काफी भावनाएं जुड़ी होती है। कल मैच संतुलित था और हमारे लिए पारंपरिक धारणा वाला टेस्ट क्रिकेट था। पूरे दिन बल्लेबाजी करो और मैच ड्रॉ कराओ, जो हाल के समय में अधिक नजर नहीं आता है, इसीलिए काफी मजेदार रहा। द्रविड़ ने मैच के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी खेल की समझ ऐसा नहीं कहती। पारी घोषित करने से आधा घंटा पहले हम दबाव में थे, उस समय तीनों नतीजे संभव थे। उन्होंने कहा कि रिद्धिमान शाह ने कमाल का जज्बा और हिम्मत दिखाई और गर्दन में अकड़न होने के बावजूद भी बल्लेबाजी की। अगर हमने 3-4 विकेट जल्दी खो दिए होते तो न्यूजीलैंड को 110 ओवरों में 240 या 50 रन का लक्ष्य हासिल करना होता। वह बामुश्किल 2.2 या 2.3 की रन औसत से हो पाता। द्रविड़ ने कहा, भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी हिसाब लगाकर घोषित करी। टीम ने पूरा हिसाब लगाया कि अब खतरे का वक्त टल गया है और उसके बाद ही उसने पारी घोषित करी। राहुल द्रविड़ ने आगे कहा, हमें उस साझेदारी यानी कि रिद्धिमान शाह और अक्षर पटेल की जरूरत थी। चाय से ठीक पहले श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे, तो वहीं कहीं न कहीं राहुल द्रविड़ जो है अपनी टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन एक खिलाड़ी को लेकर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है। इसे पूछा गया कि क्या रहाणे की लय टीम के लिए चिंता का सबब है, तो उन्होंने कहा, इसके लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि आप चाहेंगे कि अजिंक्य रहाणे आपके लिए अधिक रन बनाए, वह खुद भी ऐसा ही चाहेंगे। उन्होंने कहा, वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उन्होंने अतीत में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। वह उन लोगों में से एक है जिनके पास कौशल और अनुभव है। वह बस एक मैच की बात है, हम भी इसे जानते हैं और आप भी इसे समझते हैं। मुंबई में खेले जाने वाले अगले टेस्ट मैच में कप्तान कोहली की वापसी होगी। ऐसे में क्या रहाणे को अंतिम 11 में जगह दे पाएंगे, मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाया जाएगा। तो द्रविड़ ने कहा, हमने तय नहीं किया कि हमारी अंतिम एकादश क्या होगी, ये बहुत जल्दी है। कम से कम आज हमारा ध्यान इस मैच पर था। जब हम मुंबई जाएंगे तो हालात का जायजा लेंगे और लोगों की फिटनेस जांचेंगे। विराट कोहली भी साथ जुड़ेंगे, इसलिए हमें उनसे भी चर्चा करनी होगी, फिर कोई फैसला होगा।
लेकिन आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया की अगले मुकाबले की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।